जी हाँ फ्रेंड, मैं आ गया एक और नया वीडियो लेकर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। ये ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में अगर आप सही से नहीं जानोगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। बहुत से लोग आजकल इस चीज़ को क्लियर से नहीं समझ पा रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं उनके लिए बताने आया हूँ कि इस चीज़ में आप बिल्कुल ही डाउट में मत रहना, ये पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर कर लो, और मेरे हिसाब से आज आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ उन टैक्स पेयर के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फिर आपके लिए अलग ड्यू डेट है, अलग सारी चीज़ है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो अलग है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डेट आप दिमाग में याद करके रख लेना कि इस डेट से पहले मेरे को अपनी 3B फाइल कर देनी है। अगर उस डेट से एक दिन आगे पीछे जाओगे ना तो अब डे वाइज नहीं लगेगा, 3-3 महीना फर्क पड़ जाएगा एक दिन आगे पीछे करने से। मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन डिले करने से 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे, 3 महीने का लेट फी कैसे लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐसा टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसको दो पार्ट में बांटना है। 5 करोड़ से कम है तो 1.5 करोड़ से कम वाला भी है, या 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। एक ऐसा हो सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक होगा, एक ऐसा होगा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम होगा। सबसे पहले बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा स्मॉल है उसके लिए बात करते हैं। बिल्कुल जो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उसके लिए क्या टाइम लिमिट है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना उस, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जब देखोगे ना इंटरेस्ट के लिए क्या बोला इन्होंने तो आप हिल जाओगे। सबसे पहले बात, आपको एक ड्यू डेट ध्यान में रखना है। ड्यू डेट है फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने के लिए। फरवरी 2020 के लिए ड्यू डेट रखा गया है 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई और अप्रैल के लिए 6 जुलाई। यानी 30 जून, 3 जुलाई और 6 जुलाई, मोटा मोटी मान के चलो आप सबका ड्यू डेट है ये 2-2-3 दिन के गैप में, तो 30 जून तक आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों मंथ का रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं किया तो, ये 3B की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने 30 जून या 3 जुलाई या 6 जुलाई तक आपने अगर फाइल नहीं किया तो क्या होगा पता है? जो आपको इंटरेस्ट अभी वेव किया गया हुआ इन ट्रांजैक्शन के ऊपर, अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न इन ड्यू डेट पर फाइल कर देते हो, इन ड्यू डेट पर फाइल कर देते हो तो आपको नो इंटरेस्ट, नो लेट फी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दिन भी लेट कर दोगे, जैसे 30 जून का ड्यू डेट है, आप अगर 1 जुलाई को फाइल करते हो तो पता है आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा? बिल्कुल क्लियर कट बोला गया कि अगर आप 30 जून का ड्यू डेट है और 1 जुलाई को फाइल करते हो तो ये देखो क्या बोल रहा है, डेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज लाइबल इफ नॉट फिल्ड बाय द डेट इन कॉलम बी। ये जो कॉलम है इसमें अगर द डेट है, इस डेट तक अगर आप फिल नहीं करोगे, 23 मार्च, 23 मार्च आपका ड्यू डेट। फरवरी का ड्यू डेट क्या होता है? 20। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो, 5 करोड़ से कम है तो फिर अलग अलग डेट दिया हुआ है, तो 23 मार्च जो आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। वैसे ही कुछ स्टेट के लिए 23 होता है, कुछ स्टेट के लिए 25 होता है, जो 5 करोड़ से कम वाले होते हैं, जो कि हम 1.5 करोड़ तक के लिमिट वाले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका ड्यू डेट अलग अलग है। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप यदि 1.5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले हो तो आप अपना ये डेट नोट कर लेना, 30 जून, 3 जुलाई और 6 जुलाई, इससे पहले फाइल कर देना। नहीं तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा 23 मार्च से या 25 मार्च से, बिल्कुल फरवरी वाला जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, लेट फी भी आपको पूरा का पूरा लग जाएगा, कोई वेवर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन 30 जून से 1 जुलाई होगा तो आपको पूरा इंटरेस्ट लगेगा, बैक डेट से लगेगा, और इंटरेस्ट भी आपको बैक डेट से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ तक है, उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए भी इंटरेस्ट का फुल्ली वेवर है। अगर आप रिटर्न फाइल कर दे तो फरवरी वाला 29 जून तक, मार्च वाला 29 जून तक और अप्रैल वाला 30 जून तक, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपका पूरा इंटरेस्ट वेव किया गया है और लेट फी भी वेव किया गया, इसी आप अगर इस डेट तक सारा सब कुछ फाइल कर देते हो तो 3B का। अब अगर नहीं फाइल करोगे तो फिर वही बात जो इसके केस में था, अगर आप इस डेट तक फाइल नहीं करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगी वो कब से रहेगी, वो इंटरेस्ट आपकी लगेगी 23 मार्च से। समझ रहे हो आप डिफरेंस क्या, कि इंटरेस्ट जो लगेगा 29 जून के बाद 30 जून से नहीं लगेगा। अगर आप 1 जुलाई को फाइल करते हो तो सिर्फ 2 दिन का नहीं लगेगा, 23 मार्च से इंटरेस्ट लग जाएगा आपका। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप समझ सकते हो कि कितना मैटर कर रहता है ये चीज़, 3-3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा एक साथ। अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर क्या होगी दशा अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो।
ये था किनके लिए, ये ड्यू डेट। अब मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूँ कि इस ड्यू डेट को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैं रीड करा रहा हूँ ना, वो कहाँ से रीड करो पता है, जीएसटी की साइट से। जीएसटी की साइट पे उसने क्लियर कट बोला है कि भाई अगर इस ड्यू डेट तक फाइल किए तो 3 महीने का इंटरेस्ट 3 महीने का लेट फी वेव है। अगर इस ड्यू डेट तक फाइल नहीं हुआ, एक दिन भी डिले हुआ, तो पूरा बैक डेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। अब आता हूँ मेन पॉइंट पे, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए दोस्त, तो मैं सही बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया गाइडेंस बताने वाला हूँ तरीका। फरवरी मार्च और अप्रैल, फरवरी का ड्यू डेट रखा गया 4 अप्रैल, सॉरी फरवरी का ड्यू डेट, मार्च का ड्यू डेट और अप्रैल का ड्यू डेट, अलग अलग ड्यू डेट इसका है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डेट है। अब आपको बताता हूँ कि उसमें क्या बोला है कि फरवरी का जो रिटर्न है उसका ड्यू डेट आपका क्या था, 20 मार्च, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर का टर्न ओवर है। मार्च का क्या था, 20 अप्रैल, अप्रैल का क्या था, 20 मई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 15 दिन का वेवर है। अगर आप रिटर्न जो उसका 3B की डेट है, उस 3B के डेट तक फाइल कर देते हो, जैसे मान लो फरवरी का जो 3B का डेट इन्होंने एक्सटेंड करके दिया, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए फरवरी का ड्यू डेट है 24 जून, मार्च का ड्यू डेट है 24 जून, अप्रैल का ड्यू डेट है 24 जून, यानी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर आप 24 जून तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, पहले 15 दिनों का लगेगा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो पहला 15 दिन आपका होगा 4 अप्रैल, 5 मई और 4 जून, इस डेट तक का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और इसके बाद से फिर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। वो इंटरेस्ट कैसे है, फर्स्ट 15 डेज के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9% के रेट से लगेगा। ये बेनिफिट है आपको कि या तो ये आपको बेनिफिट है कि अगर आप टैक्स की पेमेंट जो कर देते हो 4 अप्रैल तक कर देते हो, यानी आप अपना रिटर्न यहाँ तक नहीं ले जा, मतलब आप अगर ये रिटर्न 24 जून को फाइल करते हो, 24 जून को अगर फरवरी का रिटर्न फाइल करते हो, तो क्या होगा, 4 अप्रैल तक का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 20 मार्च से 4 अप्रैल तक का, और उसके बाद से आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ, केस लेकर के चलता हूँ कि कोई ऐसा टैक्स पेयर होगा जिसने इस ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, मान लो 24 जून तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया, वो भूल गया 24 जून का डेट, फरवरी मार्च अप्रैल किसी का भी 24 जून को नहीं किया, वो 25 जून को किया, बस एक डेट में बता दो, एक दिन कि वो 25 जून को किया, पता है इंटरेस्ट कब तक का लेगा, फरवरी मार्च और अप्रैल का इंटरेस्ट। जो ये बेनिफिट आप देख रहे हो, ये वाला जो बेनिफिट देख रहे हो कि 15 दिन का माफ़ फिर उसके बाद 9%, 15 दिन का माफ़ फिर उसके बाद 9%, भाई साहब ये 15 दिन का माफ़ भी नहीं मिलेगा, ये 9% भी नहीं मिलेगा। जो आपका ड्यू डेट है ना 21 मार्च, जैसे फरवरी का 21 मार्च, मार्च का 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से और जिस दिन तक पे करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये डिफरेंस था, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से टैक्स पे करना है टाइम पे और कैसे अपने आप को बचा कर रखना है। तो इसलिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, मैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई ये 24 जून को याद करके रख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों मैं यही बताना था इस वीडियो में कि आप इन डेट को ध्यान में रखना, और अगर एक दिन भी लेट करोगे तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी जो भी लगना है वो पूरा का पूरा ऐसे माना जाएगा जो आपने ड्यू डेट को फॉलो नहीं किया, फिर ये लॉकडाउन वाला कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू।